साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं ग्रामीण सड़कें पीने का साफ पानी शौचालय आधुनिक अस्पताल ये सुविधाएं मुहैया कराती थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का उसका ना होने का उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो नदियां बहती हो वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया बहुत अच्छा कर लिया इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा भाइयों? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाइयों, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में दो गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ गांव गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि
21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं।